ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और हम कर रहे हैं कल्चरल रेल्म्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने ने रीजन नहीं कहा क्योंकि ये बॉर्डर्स टेरिटरीज और कॉन्टिनेंट की सीमाओं तक सीमित नहीं होते, ये उससे आगे होते हैं, ये रेल्म है। इन्हें हम लोगों से समझते हैं, इन्हें हम सभ्यता से और ट्रेडिशन से समझते हैं। आज हम उसी कल्चरल रेल्म्स के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। हमने लैंग्वेज डिस्कस कर लिया था, आज बात रिलीजन पे होगी। धर्म एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव है, तेजी से चीजें इंस्टिगेट हो सकती हैं। हम पहले ही क्षमा मांग लेते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, किताब पे आधारित है। त्रुटियां हुई तो किताब की होंगी, हम पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि हम तो किताब पढ़ा रहे हैं, हमारा खुद का तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, तो इसलिए किताब के माध्यम से हम आपके सामने आ रहे हैं। किताब माजिद हुसैन की है और नाम ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और टॉपिक है रिलीजन, धर्म। याद रखिएगा, आज हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे कि हम इसे फिलोसॉफिकल वे में स्टडी कर रहे हैं। फिलोसॉफिकल वे में आपको स्टडी करा दिए गए हैं किसी ज़माने में, एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म पढ़ा दिया, जैनिज्म, शैविज्म, शक्तिज्म, हर चीज़ पढ़ा दी गई है। आज जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसे इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि रिलीजन का लैंडस्केप के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, रिलीजन का रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रिलीजन का क्या रिलेशन है, मैन एंड एनवायरनमेंट की थ्योरी में रिलीजन का इम्पैक्ट कैसा आ जाता है, रिलीजन कब ओरिजिन हुए, रिलीजन कैसे डिफ्यूज़ हुए, उनके डिफ्यूजन के पैटर्न क्या थे, आज कहाँ कितने धर्म फॉलो करने वाले लोग पाए जा रहे हैं, कौन कौन सा धर्म कहाँ पर प्रीडोमिनेंट है, डोमिनेटिंग वर्ड अच्छा नहीं है, प्रीडोमिनेटिंग है, और यही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। आज आपको धर्मों की भव्यता का एहसास होगा और बेहद लाजवाब तथ्यों से आप अवगत होंगे, आपको पता लगेगा कि क्या ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स रिलीजन से जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपको नहीं पता हम बताते हैं। शुरुआत करते हैं धर्म। धर्म की डेफिनेशन क्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि धर्म की कोई परिभाषा हम ऐसे देख पाएंगे। अगर मैं अभी आपसे पूछनी शुरू कर दूं, आप परेशानी में चले जाएंगे। जिस चीज़ पर इतनी ज़्यादा जिरहा है, बहस है, उसकी डेफिनेशन भी दे पाना मुश्किल हो जाता है। उसके बारे में फीलिंग सबके अंदर है, थॉट सबके अंदर है, एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है, बता नहीं पाते कि यह है क्या। धर्म शब्दों से परे होता है, धर्म सीमाओं में नहीं आता, धर्म काल से परे होता है, ये एटर्नल होता है, ये अनलिमिटेड होता है, और ये इमोशन है, फीलिंग है। एक ही लाइन पर बात खत्म करेंगे। कुछ दो तीन लोगों ने प्रयास किए हैं धर्म की डेफिनेशन देने की, लेकिन उनकी डेफिनेशन किसी तरह से भी मुकम्मल नहीं है। हम एक ही बात कहेंगे कि रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ओके? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा था। हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। चलिए देखिए, जब मैं आपके सामने ज्योग्राफी का कंसेप्ट रखता हूँ तो ज्योग्राफी में आप एक चीज़ नोटिस करते हैं। सपोज़ कीजिए ये आपके सामने एक क्या है, अर्थ तो एक ही है, सपोज़ कीजिए ये अर्थ है और की बात करते हैं, ये कितने सुंदर माउंटेन है, ये आपके सामने प्लेचू एरियाज आ गए, ये मैदानी इलाका है, खेती कर रहे हैं लोग, कितने खुश हैं, ये खेत हैं, इन्हें चिड़िया के तौर पर इस्तेमाल भी कर लेंगे जब ज़रूरत होगी। तो इस तरह से आपके सामने एक सेटअप लगा हुआ है, नदियां यहां से बह रही हैं, बहती बहती चली जाएंगी, मंद मंद आगे चली जाएंगी, इसी तरह से काम होता है। यहां पे समुद्र है, समुद्र का किनारा है, और यहां पर आकर के डेल्टास बन जाते हैं, ये नेचुरल लैंडस्केप है। लेकिन जब आप इसको इस तरह से ना देख के इस तरह से देखेंगे तो फिर आपको एक और चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जब आप इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो गया, ये आपको लगेगा कि मैंने कोई रोबोट बनाया, ऐसा नहीं है, ये कोई एक धर्म स्थान है, आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, ओके? धर्म स्थान है ये, ऊपर आप उसके कुछ भी लगा लीजिए, ये अल्टीमेटली ये भी एक धर्म स्थान है, सब अपने अपने तरह के ही धर्म स्थान हैं, और ये भी एक तरह के धर्म स्थान हैं, ओके? अब कई तरह के धर्म स्थान आपके सामने नज़र आ रहे हैं, कई निकलते हुए जलसे हैं, कहीं घंटियां बज रही होंगी, कहीं अजान दी जा रही होगी, कहीं माइक पर पाठ चल रहा होगा। ये आवाज़ें जब आप सुनते हैं, वो जलसे जब आप देखते हैं, वो प्रोसेशन जब रामलीला के वो भव्य मंचन आप देखते हैं, तो आप किसका जिक्र करते हैं? ये कल्चरल लैंडस्केप है। यानी कि जब आप वेटिकन सिटी घूम के आते हैं, सड़कों पे पेड़ तो कहीं नज़र आते नहीं, पहाड़ झील झरने तो दिखते नहीं, दिखते हैं भव्य चर्च, दिखते हैं उनके सजाए हुए प्रोसेशंस, दिखते हैं उनकी दी हुई टीचिंग्स, तो आप कहते हैं व्हाट अ
कल्चरल लैंडस्केप इट वॉज। लेकिन जब आप उससे आगे जाते हैं, अल्पस माउंटेन में चले जाते हैं स्विट्जरलैंड में, और फिर वहाँ पर जब आपको चर्च और उस लेवल की प्रोसेशन तो दिखते नहीं, आप कहते हैं व्हाट अ नेचुरल लैंडस्केप इट वॉज। तो कुल मिलाकर के कभी नेचुरल लैंडस्केप है, कभी कभी कल्चरल लैंडस्केप है, और हम उस कल्चरल लैंडस्केप की स्टडी अभी कर रहे हैं। हमने भाषा कर ली है, हम धर्म पर हैं। एक बात याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर आपने लोगों का पता लगाया कि किस ग्रुप की भाषा बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, और उन भाषा के आधार पर आपने लोग जोड़े भी तो उनका ग्रुप बनाया, उसी भाषा के आधार पर आपने लोग तोड़े भी तभी तो एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप भिन्न बनाया। आप लोगों के बीच में ग्रुप कैसे बना पाए? एक ग्रुप वो जो उस तरह की भाषा बोलने वाला था, एक वो जो उनसे अलग भाषा बोलने वाला था। लोग जुड़ते भी हैं और नए ग्रुप बनते भी हैं। तो कुल मिलाकर के यही खासियत है। ऐसे ही धर्म है, जैसे लैंग्वेज एक आइडेंटिटी है, उसी तरह से रिलीजन भी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। जैसे आप किसी से बात करते हुए कह सकते हैं आप हिंदू हैं क्या, वो कहेगा क्यों, कहेंगे आपने टीका लगा रखा है ना, वो कहेगा ओ यस यस। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं आप कहेंगे आप हिंदू हैं क्या, वो कहेगा क्यों, अब मैंने देखा आप सूर्य नमस्कार कर रहे थे, कहेंगे ओ यस यस। आप किसी मिलेंगे आप हिंदू हैं क्यों, सॉरी आप कहेंगे क्रिश्चियन है, वो कहेगा क्यों आप ऐसे कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि आप शायद क्रिश्चियन हैं। आप किसी से भी मिलेंगे आप कहेंगे आप सिख हैं क्या, बोलेंगे क्यों आपने वो रुमाल बांध रखा था ना अंदर जाने से पहले, तो मुझे लगा आप सिख हैं। तो कुल मिला करके इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें देख करके आप ये तो आप आइडेंटिफाई कर पाए। एक 100 लोगों के ग्रुप में अगर 50 लोगों ने तिलक लगा रखा है, एक डिवीजन तो आप कर ही दोगे कि ये 50 तो किसी ना किसी हिंदू रिलीजियस सेक्ट से बिलोंग करते हैं भाई, ये बात तो तय है, आई बात समझ में। और उनमें से अगर किसी ने 50 ने ये अपने वेशभूषा भभूति बड़े बड़े केश और इस तरह से नागा प्रथा के तहत चल रहे हैं, तो आप कह दें कि भाई ये तो नागा बाबा हैं, ये तो अघोरी बाबाओं के बीच में आते हैं। तो कुल मिलाकर के रिलीजन एक आइडेंटिटी का जरिया होता है, उसके तहत पर आप लोगों को जोड़ते हैं और नए नए ग्रुप बना करके भी देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब यह भी आइडेंटिटी का एक जरिया है और हम वर्ल्ड के कल्चरल रिल्म्स का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर इनका जिक्र कैसे ना हो, इन पे चर्चा होनी तो बनती ही है। ओके, इसलिए धर्म ही मेन आधार माना जाता है। एक कंसेप्ट ये था जिसके बेसिस पर हम डिस्कस कर रहे थे। रिलीजन को एक्सप्रेस करने के कई सिस्टम हैं, वो ये सिस्टम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं ध्यान से समझिए। देखिए, अब रिलीजन तो है, रिलीजन एग्जीक्यूट कैसे, प्रैक्टिस कैसे करें, तो सैक्रेड प्लेसेस होते हैं जिन्हें हम टेम्पल्स के तौर पर जानते हैं, सैक्रेड रिचुअल्स होते हैं। यानी कि अगर आप रिलीजन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, धर्म को अगर आप पालन करना चाहते हैं तो कॉमन चीज़ ये है कि पहले तो आपको सेक्रेड यानी कि पूरी तरह से धार्मिक स्थल चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आपके वहाँ पर जा कर के ही तो आप सिंबल्स और जो भी आप चीज़ों को समझ रहे हैं उनके प्रति अपना रेवरेंस दिखा सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर धर्म से जुड़े हुए कुछ मिथ या सिंबल्स होंगे, धर्म से जुड़े हुए इसलिए कह रहा हूँ कि इनको जोड़ के धर्म बना देंगे, तो मिथ एंड सिंबल्स होने ज़रूरी रहते हैं, ऐसा होता है, सेक्रेड प्लेसेस होने ज़रूरी रहते हैं, आपके एक्शन सेक्रेड हैं, ये कैसे दिखेगा, रिचुअल्स होते हैं, आप उन रिचुअल्स के थ्रू दिखाते हैं कि आपके एक्शंस सेक्रेड हैं, सेक्रेड राइटिंग्स होती हैं, उनके थ्रू फिलॉसफीज़ और ये चीज़ें निकल करके आती हैं, आई बात समझ में। और सेक्रेड प्रीचिंग्स होती हैं, सेक्रेड टीचिंग्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जुड़ करके एक धर्म के टूल्स के तौर पर काम करती हैं जिनके तहत आप धर्म की पालना करते हैं। कुछ सेक्रेड प्लेसेस मिल जाएंगे, कुछ सेक्रेड राइटिंग्स मिल जाएंगी, कुछ सेक्रेड टीचिंग्स प्रीचिंग्स मिल जाएंगी, कुछ सेक्रेड एक्शंस आपके हो जाएंगे रिचुअल्स के तौर पर, ये कुछ सेक्रेड चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। आई बात, कुछ सेक्रेड सिंबल्स और मिथ हो जाएंगे, कुछ सेक्रेड प्रैक्टिसेस भी होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस सेक्रेड होती हैं, जैसे कि जब अघोरीज की हम बात करें उनकी लाइफ ही एक तरह की सेक्रेड प्रैक्टिस हो रखी है। सिंबल्स और शायद वो मिथ कोई भी यूज़ ना करें, हो सकता है वो किसी सेक्रेड प्लेस टेम्पल से खुद को ना जोड़ करके देखें, और क्लियरली ये चीज़ तो हो सकती है कि वो किसी सेक्रेड राइटिंग में भी उस लेवल पे बिलीव ना करें, लेकिन उनका वे ऑफ लाइफ ही इट्स काइंड ऑफ सेक्रेड, तो उनकी प्रैक्टिसेस ही सेक्रेड हो रखी हैं। ओके, तो सेक्रेड प्रैक्टिसेस आर देयर, इस तरह से आप इन चीज़ों को कॉमन मान करके चलते हैं, ये एक आस्पेक्ट है। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये क्या है, देखिए जब आप धर्म को अलग अलग लेवल पर समझना चाहते हैं कॉमन चीज़ को समझिए। कॉमन चीज़ क्या है,
हर समाज का, हर देश का, हर नागरिक का अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है। वैल्यू सिस्टम होता है। वैल्यू सिस्टम क्या होता है? आपके कुछ बिलीफ होते हैं, आपके कुछ बिलीफ होते हैं, आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। किससे? इस नेचर से, अपनी सराउंडिंग सोसाइटी से, अपने आप से। आपके बिलीव्स हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके एग्जीक्यूशंस हैं, और आपके कुछ कंट्रोल्स हैं। आपने कुछ कुछ खुद को संयम किया होता है, खुद पे कुछ नियंत्रण होते हैं, दूसरा भी खुद पे नियंत्रित चल रहा है। आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोई भी ऐसे ही आके आपको थप्पड़ मार करके ना चला जाए, और वो एक्सपेक्टेशन इसलिए फुलफिल हो रही है क्योंकि दूसरे का और आपका कंट्रोल भी है। तो एक्सपेक्टेशंस हैं, कंट्रोल्स हैं, बिलीव्स हैं, एग्जीक्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर के एक वैल्यू सिस्टम खड़ा होता है। और ये जो वैल्यू सिस्टम होता है, इसको हम किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं? कई बार इन वैल्यू सिस्टम को हम फॉर्मलाइज्ड कर देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं। और फॉर्मलाइजेशन करने के अपने पास बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले हम इसी वैल्यू सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, कंसोलिडेट और आगे प्रोपगेट करने के लिए कि लोग फॉलो करते रहें, हम इसको लेखनबद्ध कर देते हैं, रिटर्न में हो जाता है। जैसे इसी वैल्यू सिस्टम के तहत अब जब हमने इसे फॉर्मलाइज किया तो कुछ नियमों का पालन करेंगे तभी ये वैल्यू सिस्टम बचे रहेंगे और हम उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे मनु की लिखी हुई मनुस्मृति, उस समय काल में वो एक तरह का कंडक्ट हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट बन गया कि एक जीवन यापन ऐसा होना, सादा जीवन, सदा जीवन, सदा विचार ऐसे होने चाहिए। ओके, तो सद्भावना रखिए, सद्विचार, सद्जीवन, उन्होंने उस समय के कालखंड में इस तरह कंसेप्ट दिया। उस पर ऊपर क्या क्रिटिक है, हम उस पर नहीं जा रहे कि उन्होंने जाति प्रथा पे क्या बोला है, क्या नहीं है, उन्होंने कास्ट सिस्टम पे क्या कहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि एक वन ऑफ द वे ये है। अनदर वे अगर आप देखें तो आपका वैल्यू सिस्टम, आपने उसे फॉर्मलाइज और ऑर्गेनाइज कैसे किया है, चीज़ों को ऑब्जर्व करें बस। जैसे सिखिज्म की अगर बात करें तो उसमें बस कुछ प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व हो रही हैं, और वो क्या है, आपका एवरीडे कंडक्ट, आप उसके तहत चल रहे हैं। बैप्टिज्म का प्रोसेस होता है और उसके बाद आप डेली अपनी लाइफ में ही एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, एक बेटर कंडक्ट लेकर के आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप उन चीज़ों को फॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो आपका वैल्यू सिस्टम इस वे में चल रहा है। दैट्स इट। कुछ वैल्यू सिस्टम की अगर आप बात करें, कुछ बिलीव्स की, आप आइडियोलॉजीज़ की और थ्योरीज़ की अगर आप बात करें, तो उन्हें आप डेली रिचुअल्स करके, डेली कस्टम्स को फॉलो करके, टेम्पल्स और अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू फॉलो कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो ये तो आपके अपने अपने तरीके हैं। आप रिटर्न फॉर्मेट में रेगुलराइज फॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के थ्रू, एक प्रीस्ट के थ्रू, उसकी लीडरशिप के तहत, टेम्पल इंस्टीट्यूशन के तहत ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आप ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस के थ्रू आप नियम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंडक्ट ऑफ द लाइफ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसके थ्रू फॉर्मलाइज हो रहे हैं। हो सभी कुछ रहे हैं और सभी एक तरह से प्रैक्टिकल ही रहे हैं, और हो सभी अपने वैल्यू सिस्टम को बचाने के लिए रहे हैं। तो मुद्दा कोर वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम में यही है कि आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपके कुछ कंट्रोल्स होते हैं, आपके कुछ बिलीव्स होते हैं, और आप कुछ चीज़ों में एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं क्योंकि आप अपने लिए एक बेहतर निच क्रिएट करना चाहते हैं, एक बेहतर समय बनाना चाहते हैं, एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। इसी से फिर आप एक बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं, और उसी चाह में आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं। और बेहतर समाज के लिए एक खास तरह का सिस्टम तो चाहिए, और वो धर्म हो जाता है, वो रिलीजन हो जाता है। ध्यान रहे, मैं इसमें बहुत डीप जा सकता हूँ, लेकिन आज बात ज्योग्राफी में चल रही है। हम विश्व के धर्म पढ़ने वाले हैं, हम फिलोसॉफिकल साइड पे नहीं जा सकते। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल करके आता है कि जब हम इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि भाई एक आइडियोलॉजी है, एक बिलीफ सिस्टम है, एक वैल्यू सिस्टम है, व्हाट अबाउट द अदर बिलीफ्स, व्हाट अबाउट द बिलीफ ऑफ द कम्युनिस्ट इन द सोशलिस्टिक कंट्री इन द रशिया, देयर इज अ आइडियोलॉजी, देयर इज अ फेथ, there is a belief and that belief, that faith is called the communism. फिर उसका क्या है? Yes, जो हमने पहले बात की वो non political faith है, वो non political way of belief है, वो non political way of organization of the religion है। But जब हम बात Russian communism की कर रहे हैं, it is a political ideology. By the way of political ideology, you are going to organize society, you are going to organize resources, you are going to manage economy. Ultimately, जब आप कम्युनिज्म की भी बात करते हैं तो उसमें एक यूनिक चीज़ है कि वो अपने आप में एक तरह की रिलीजियस डॉक्ट्रिन हो जाएगी। कैसे? क्योंकि कम्युनिज्म में लीडर्स चीयर किए जाते हैं,
उनको चेरिश किया जाता है, लीडर्स को एक कल्ट के तौर पर डेवलप किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर देवी देवता भगवान संस्थाएं टेंपल ऑब्जर्वेशंस बैप्टिज्म ये सब ना हो करके जो प्रीवियस लीडर रह चुके हैं उन्हीं को एक तरह के भगवान के समकक्ष का रेवरेंस मिलने लग जाता है, सम्मान मिलने लग जाता है, तो ये भी एक तरह का कल्ट हो जाता है, तो अपने आप में एक कल्ट है। इसलिए कम्युनिस्ट स्टेट्स जो रहेंगे, कंट्रीज रहेंगी, वहाँ पर आपको एथिज्म नज़र आएगा, एथीस्ट करेक्टर नज़र आएगा, बिकॉज दे आर मोर इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज और इंस्टीट्यूशनल दे आर मोर इंस्टीट्यूशनल इन देयर अप्रोच एंड दे आर मोर अकॉर्डिंग टू देम दे आर मोर सोशल। सो द थिंग इज दे आर मोर सेकुलर। सो वैन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेकुलरिज्म दे आर टॉकिंग अबाउट द एथिस्टिक करेक्टर ऑफ द स्टेट। देयर सेकुलरिज्म इज अ वेरी डिफरेंट सेकुलरिज्म। वैन यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकुलरिज्म, जब आप बात कर रहे हैं धर्म निरपेक्षता की, तो आप बात कर रहे हैं इंडिया में दैट सेकुलरिज्म इज अ वेरी वेरी रिलीजियस कंट्री, बट यू आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। देर आर सो मैनी रिलीजन्स एंड देर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन टू द रिलीजन, बट गवर्नमेंट कैन पॉजिटिवली इंटरवीन इन टू द रिलीजन, बट द थिंग इज एवरीबडी इज फ्री टू प्रोफेस टू एन्जॉय टू प्रैक्टिस टू प्रोपगेट देयर ओन रिलीजन। दैट इज वेरी, तो देर इज अ फुल लिबर्टी, दैट इज सेकुलरिज्म, दैट देर इज नथिंग टू डू विद द स्टेट विद द गवर्नमेंट विद द पॉलिटी इन केस ऑफ द रिलीजन। बट वैन यू आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिस्ट और द रशियन स्टेट्स, दे आर ऑल्सो सेकुलर, बट दे आर सेकुलर इन द केस ऑफ एथिस्टिक आस्पेक्ट, बिकॉज दे आर आइडलाइजिंग द पर्सनैलिटीज ऑफ द लीडर्स, दे आर मेकिंग देम कल्ट एंड दे आर फॉर्मलाइजिंग देयर कंट्री, देयर बिलीव, देयर वैल्यू सिस्टम इन दैट वेरी पॉलिटिकल सेंस। दैट इज यूनिक आस्पेक्ट। ओके, तो उनका बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है, बिकॉज उनका सिस्टम ऐसा था। आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे सपोज कीजिए रशिया एंड चाइना की बात करते हैं अपन, तो क्या हो रहा था कि एक टाइम पर जब आप बात कर रहे हैं शिंतोइज्म की, शिंतोइज्म इन द जापान, जब आप बात करते हैं कन्फ्यूशियस, जब आप बात करते हैं ताओइज्म, जब आप बात करते हैं ताओइज्म एंड कन्फ्यूशियस, ये चाइना की आप बात कर रहे हैं, क्या होता था कि जब हम इन, जैसे बुद्धिज़्म की भी आप बात कर लीजिए, मेजॉरली क्या होता है कि जो आफ्टर डेथ आप दफनाते हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने घर में दफना रहे हैं, अपने खेतों में दफना रहे हैं, 10% एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है। बट व्हेन जब देर वाज एडवेंट ऑफ द कम्युनिस्ट थॉट, देर वाज एडवेंट ऑफ रशियन सोशलिस्ट थॉट, अब यू हैव टू ऑर्गेनाइज द लैंड बेटर, यू नीड टू यूज द रिसोर्सेज इन अ मोर जुडिशियस मैनर, सो यू वर सिंपली कंसोलिडेटिंग द लैंड, तो अल्टीमेटली आपने डिस्कार्ड ही कर दिया उस एक्टिविटी को। आप ये कह रहे हैं कि भाई दफनाना नहीं है, इस तरह से आप लैंड वेस्ट नहीं कर सकते, सारे लैंड को रीयूटिलाइज करो, वो जो लैंड था उसे रीयूटिलाइज करो। इस वे में जो लोग रिलक्टेंट थे उनको कंपेल किया गया, फोर्स किया गया। तो ऐसे देखिए एक कम्युनिस्ट स्टेट बनने के रास्ते में धर्म आ रहा था, इसलिए कम्युनिस्ट स्टेट्स ने एक पॉइंट के बाद रिगरसली ये प्रैक्टिस फॉलो की कि धर्म नहीं, अथीस्ट स्टेट होगा तभी डेवलपमेंट होगा, तभी ग्रोथ होगी, क्योंकि इनकी बिल्डिंग्स, इनकी रिचुअल प्रोसेशंस, इनकी प्रैक्टिसेस, इनका दिन भर का ये जो टाइम है रिचुअल सेल करने में, फेथ में, बिलीफ और प्रैक्टिसेस में, इनका जो जगह डिवोट कर रहे हैं ये लोग, ये दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो अल्टीमेटली इनको छोड़ना होगा, तभी इनका डेडिकेशन काम पे आएगा, तभी ये ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, तभी रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द पॉलिटी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड द आइडियोलॉजी, socialism, communism, a way of one type of life, a way of politics, a way of that's why it is an ideology. So the thing is, that's why we need to study religion. Look at the impact of the religion on the polity. Simultaneously, religion is somewhere impacting the land resources, because the polity was there, policies were there, because they wanted to consolidate the land better for the purpose of socialism, for the purpose of community life, and somewhere religion was the hindrance, because due to the religious practices there were more and more land devoted towards the cemetery activities or the burial practices. That was the aspect. Okay, so ye cheez aapko samajh karke chalni hai, aise judte hain ye cheeze, isliye fir subject bante hain aur hum unhe padhte hain। आगे बढ़ते हैं, जब हम धर्म के नाम पर चीज़ें आगे देखते हैं तो रिलीजन के डिविजन्स होते हैं, और रिलीजन को कैसे करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, टाइप्स होते हैं। किस तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं मेरे बच्चे, किस तरह के टाइप होते हैं? अभी अब ध्यान कैसे इधर ऐसे सोचने के लग जाते हैं, आपको कौन सा पहले से ये सब आता है? सोचा तो उन चीज़ों को जाता है जो भूल रही हूँ, विस्मृत हो रही हूँ, आप तो कुछ सिमरन ही नहीं है ना। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर रहता है कि रिलीजन
को फॉलो करने का जो क्राइटेरिया है, वो किस तरह से आप पर्टिकुलरली कर रहे हैं? मतलब कई सारे देवी देवताओं पे भगवान में विश्वास हो रहा है या सिर्फ एक देवी देवता या भगवान पे विश्वास हो रहा है? तो उस बेसिस पर होता है मोनोथेइज्म, क्या होता है, और पॉलीथेइज्म। तो मोनोथेइज्म एंड पॉलीथेइज्म, ये दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं। एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर को मानना, बहु ईश्वरवाद, बहु ईश्वर को मानना, मल्टीपल गॉड गॉडेसेस माने जाते हैं, यहाँ पर एक ही गॉड गॉडेस मानी जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो डिवीजन इस बेसिस पे भी हो सकती है कि ओरिजिन कहाँ है। वेस्टर्न और ईस्टर्न रिलीजन्स, अफ्रीकन रिलीजन, फार ईस्टर्न रिलीजन्स, इस तरह से ये डिवीजन्स होती है। एक बात आप हमेशा याद रखना, धर्म टेरिटोरियल बाउंड्रीज और फ्रंटियर्स को नहीं मानता, लेकिन देर इज एक्सेप्शन, ट्राइबल रिलीजन्स। ट्राइबल रिलीजन्स आर नोन फॉर द टेरिटरीज एंड द बाउंड्रीज, बिकॉज आप ट्राइबल रिलीजन की बात ही टेरिटरी से करते हैं, बाउंड्री से करते हैं, कि ये इतना क्षेत्र ट्राइबल लोगों का है और उसके अंदर मतलब वो ट्राइबल रिलीजन ही होगा। एक्सेप्ट दैट अदर रिलीजन्स टेरिटरीज और बाउंड्रीज को नहीं मानते हैं। अब अगर आप ज्योग्राफर की बात करें, वो इस फिलोसफिकल डिवीज़न पे नहीं जा सकते। मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। वो इस डिवीज़न पे भी नहीं जा सकते, ओरिजिन वाइज हिस्टोरिकल डिवीजन्स, माने वेस्टर्न डिवीजन, वेस्टर्न है कि ईस्टर्न है, फार ईस्टर्न है कि, वो इस डिवीज़न, इस डिवीज़न पे ज़्यादा जाते हैं, इस क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा जाते हैं कि स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लैंडस्केप पे, ये कैसा कल्चरल लैंडस्केप खड़ा कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनका उस सेंस में किस तरह का है। फिर इस सेंस पे जाते हैं कि एथनिकली है, लोगों के साथ कास्ट कल्चर कस्टम मैनर पे कैसा डीलिंग है इनका, यूनिवर्सलाइजिंग है क्या, या फिर ये आज भी प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस में है या मॉडर्न प्रैक्टिसेस में, माने नेचर के साथ एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन कैसा है, क्या ये ट्राइबल रिलीजन है? तो नेचर एंड मैन एंड एनवायरनमेंट का रिलेशन, नेचुरल लैंडस्केप से रिलेशन, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशंस, डेमोग्राफिक से कॉन्टेक्स्ट में, कास्ट कल्चर मैनर के कॉन्टेक्स्ट में, वो इस कॉन्टेक्स्ट की डिवीजन्स को ज़्यादा मानते हैं। तो उसके बेसिस पर अगर अपन देखें तो रिलीजन हो जा रहा है यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन। यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन की अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाता है सबसे पहले मतलब तीन रिलीजन आ जाएंगे, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म। मैंने क्यों कहा इन्हें यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन? देखिए, यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन ये इस वजह से हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल हैं, मतलब इन्हें कोई भी अपना सकता है। अपना फेथ डिक्लेयर करना है आपको, इन्हें अपनाने के बाद आपको फेथ डिक्लेयर करना है। कई बारी कोई ख़ास प्रैक्टिसेस फॉलो कराई जाती हैं, कई बारी आपको कोई ख़ास सिंबल्स पहनने के लिए कहा जाता है, कई बारी कुछ खास रिचुअल होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म में बैप्टिज़म होता है। अगर आपने वो किया है तो फिर आपका परिवर्तन हो चुका है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस्लाम की बात करें तो आपको जब धर्म अपनाना होता है, आपको शहादान करना होता है, मतलब वो पहला, पांच पिलर हैं इस्लाम के, पहला पिलर फॉलो करना है तो आपका धर्म परिवर्तन माना जाता है। आपको ये मानना है कि नो गॉड एक्सेप्ट गॉड, नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, कोई भगवान नहीं है खुदा, खुदा को छोड़ के, अल्लाह को छोड़ करके, और एक ही मैसेंजर है, दैट इज़ प्रॉफिट। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ये शहादान का कंसेप्ट आपको फॉलो करना पड़ता है तो हो जाता है। तो इस तरह से आप इन्हें बताते हैं, मतलब किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी रेस, किसी भी एथनिक, किसी भी क्लास ग्रुप से, किसी भी कंट्री से, नेशन से आप हैं, आप इसे अपना सकते हैं। कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, सब के लिए ये ओपन रहता है। दैट्स वाई ये बड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिशनरी होते हैं। देयर इज अ मिशनरी कंसेप्ट, प्रोसेलिटाइजेशन कंसेप्ट, तो प्रोसेलिटाइजेशन यहाँ पे रहेगा, मतलब धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन्स यहाँ पे रहते हैं, प्रोसेलिटाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन रहेगा यहाँ पे। और दूसरा इम्पोर्टेंट मिशनरी, बिकॉज आप मिशन पे हैं, आप जब प्रोसेलिटाइजेशन हो रहा है, यू आर प्रीचिंग, यू आर प्रोपगेटिंग द रिलीजन, यू आर स्प्रेडिंग द नॉलेज, एंड यू आर इन्फ्लुएंसिंग और यू आर मेकिंग अदर पर्सन अवेयर अबाउट योर रिलीजन, दैट इज द अल्टीमेट आस्पेक्ट। ओके, अब अगर हम इससे आगे आ जाते हैं तो वो आ जाते हैं एथनिक, एथनिसिटी बेस्ड है ये यूनिवर्सलाइजिंग नहीं है, ये एथनिसिटी बेस्ड है। तो नेचुरली ये किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप या किसी लैंड तक या किसी एक सोसाइटी तक ही कन्फाइंड होंगे, क्योंकि
क्योंकि एथनीसिटी जो होती है वो तो बड़ी यूनिक चीज़ है, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकती है, कस्टम कल्चर के बेसिस पे हो सकती है, इवन रिलीजन के बेसिस पे भी एथनीसिटी हो जाती है, टेरिटरी के बेसिस से भी एथनीसिटी मिल जाती है, तो इसके बेसिस पे हिंदुइज्म है। सेकंड चाइनीज रिलीजन है। चाइनीज रिलीजन की जब मैं बात करता हूँ तो कन्फ्यूशियन एंड ताओइज्म, जापानीज शिंतोइज्म, जापान का शिंतोइज्म, जुदाइज्म, ज्यूइश पीपल, जुदाइज्म, ये एथनिक रिलीजन के अंदर आते हैं। एथनिक का मतलब यहाँ पर क्या है, आप ये यूनिवर्सलाइज नहीं होते, ये सभी कास्ट कल्चर क्रीड रीजन के लिए रेसिस के लिए ओपन नहीं होता, या तो आपको इसमें जन्म लेना पड़ेगा या आपको अडॉप्ट करे कोई अगर, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री, बहुत ही लॉन्ग पीरियड रिजिड कम्प्लेक्स कस्टम कल्चर मैनर रिचुअल्स आप फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप उस ग्रुप के उस रिलीजन के मेंबर हैं, या तो जन्म ले जाइए या फिर अडॉप्ट किया जाए, बच्चा अडॉप्ट कर लिया फिर तो उसको ये मिल ही जाना है। आई बात समझ में? तो ये दे आर वेरी क्लोज्ड, दे आर नॉट वेरी ओपन, या लाइकली दे आर नॉट वेरी मिशनरीज, सो दे आर नॉट प्रोसेलिटाइजिंग। यू कैन सी, यू कैन नेवर एक्सपीरियंस वेरी बिग लेवल ऑफ सिंथोइज्म एट वर्ल्ड लेवल, हैव यू? नो, इट इज समवेयर कन्फाइंड टू जापान ओनली, कन्फ्यूशनिज्म जापान ओनली, हिंदुइज्म इंडिया ओनली, जुदाइज्म पैलेस्टीन इज़राइल ओनली, सिंपल। दैट्स व्हाई जब भी वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे ये आपको कंजर्व करते दिखेंगे खुद को, क्योंकि इधर देखो क्या हो रहा है, ये बच रहे हैं क्योंकि मेंबर इधर से निकाले जा रहे हैं ना तेजी से, तो ये कंजर्व हो जाते हैं, ये रिचुअलिस्टिक थोड़े से ऑर्थोडॉक्स भी हो जाएंगे, ये काफ़ी प्रोटेक्टिव और क्लोज्ड से हो जाते हैं, तो इनमें सिर्फ घर वापसियाँ कराई जाती हैं। अगर कोई इस्लाम में चला गया है, कोई सिखिज़म में, कोई ईसाई बन गया, कोई क्रिश्चियन, तो ये घर वापसी कराते हैं, कहते घर वापस आओ, अपने में वापस आओ, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ते। यही कारण है कि इनकी रीच भी उतनी बड़ी नहीं वर्ल्ड लेवल पर। टॉप पे देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी है, सेकंड इस्लाम है, क्योंकि प्रोसेलिटाइजेशन है, मिशनरीज़ हैं, ये एक बहुत ही यूनिक आस्पेक्ट था। लेकिन आप कहेंगे सिखिज़म उतना नहीं है, बिकॉज इन सिखिज़म प्रोसेलिटाइजेशन एंड द मिशनरी आस्पेक्ट इज़ टोटली डिफरेंट। देर इज़ नो केस एनी वेयर इन द वर्ल्ड, आई एम चैलेंजिंग यू, जिसमें आप ये प्रूव कर दें कि पैसे दे करके किसी को कन्वर्ट किया जा रहा है। नॉट बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट फिलोसफिकल साइड एंड एनिमिज्म इन द सिखिज़म। सिखिज़म इज़ अ यूनिक ब्लेंड, ओके, दैट वी विल डिस्कस। आगे बढ़ते हैं, ये इतना कंसेप्ट क्लियर आया है आपको? तो अब आगे आते हैं, तो ट्राइबल कैटेगरी के रिलीजन होते हैं, जिसमें सबसे पहले एनिमिज्म होता है, बताएंगे इसमें स्पिरिट वर्शिप का कंसेप्ट है, शमनिज्म होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इज की दैट नो फेथ, मतलब नो रिलीजन कहना इज बेटर, फेथ इज वेरी स्टॉन्च, नो रिलीजन, यू कैन से इट इज एथिस्टिक। लुक, व्हाट डू यू मीन बाय द एथिस्टिक आस्पेक्ट इन दिस ट्राइबल? व्हेन भगत सिंह वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आई एम एथिस्ट, डू यू रियली मीन दैट ही इज इनह्यूमन? नॉट एट ऑल, ही इज एथिस्ट इन द सेंस कि सबकी शुरुआत तो यहीं से हुई है ना भाई, पहले कौन थे हम? रिलीजन तो कब आया है? बहुत बाद में आया है, पहले तो सब जरूरतें थी, जानवर मरा मिल गया तो गैदर कर लो, जिंदा मिला तो मारो, फल रूट्स ट्यूबर गिरे पड़े मिल गए तो गैदर करो, नहीं तो तोड़ो, जीवन जरूरतों पर आधारित था, एनवायरमेंटलिज्म बहुत स्ट्रांग था और वही आपके जीवन को तय कर रहा था और अल्टीमेटली उसी के मुताबिक आप चल रहे थे, पॉसिबिलिटीज तो थी ही नहीं, पॉसिबिलिज्म वाज नॉट देयर, जो भी तय कर रहा था वो पर्यावरण तय कर रहा था, डिटर्मिनिज्म था, आप उसके तहत चल रहे थे कि सर्वाइवल था, एक एग्जिस्टेंस था, दैट्स इट, एक सस्टेनेंस था। लेकिन जब आपने एग्रीकल्चर्स करने शुरू किए, खेती बाड़ियाँ शुरू हुई हैं, सोसाइटी ठहरी एक जगह पे, समाज टिक गया, फिर आप रेस्ट सीजन में हैं, आप वर्क सीजन में हैं, वर्क सीजन के कुछ और नियम हैं, रेस्ट सीजन के कुछ और नियम हैं, रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, पानी कैसे, कौन कब यूज़ करेगा, कितने बजे करेगा,
किन पेड़ों का इस्तेमाल कैसे होगा, क्षेत्रफल का इस्तेमाल, लैंड एरिया का, सरफेस एरिया का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसके लिए कुछ नियमावन है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, और उसको सारा समाज माने तो उसके लिए फोर्स है, वो धर्म है। ये तो सभ्य समाज बाद में आता है, तो चीज़ें आती हैं। और नॉलेज जो है उसकी एक खासियत है कि उसके लिए आपको कुछ टीचर्स यू नीड समवेयर, एंड ओरल ट्रेडिशन एंड रिटन ट्रेडिशन, टू ट्रेडिशंस आर ऑलवेज देयर। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वेदास, देयर वाज अ स्मृति कंसेप्ट, दैट इज अ ओरल ट्रेडिशन, एंड रिटन ट्रेडिशन इज ऑलवेज देयर। बट वेदास तो 1000 ईयर्स तक रिसाइटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही मिले हैं लोगों को, रिटन मटेरियल तो था ही नहीं भैया, वो तो बहुत बाद में जा करके आता है। तो दैट्स वाई एन्चेंटमेंट, रिसाइटेशन इज अ वेरी, नाम जपना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो कुल मिला करके इधर से शुरुआत हुई। तो भगत सिंह वॉज टॉकिंग अबाउट दैट आई एम अ वेरी क्रूड, वेरी रॉ एंड अ वेरी अनटचड एंड जीरो मिनिमलिस्टिक इम्प्योर पर्सनैलिटी। कोई भौतिकवाद, कोई मटेरियलिज्म, कोई कैपिटलिज्म और कोई कंसेप्ट अभी मुझे इस ग्राउंड पे छुआ नहीं है कि तुम कुछ भी अनजस्ट करो और उसे किसी भी ग्राउंड पे जस्टिफाई करो कि ये हमने अनजस्ट इसलिए किया क्योंकि इसका ये एक लेजिटिमेट रीजन बनता था। वो ये कह रहे हैं नॉट एट ऑल, नो रीजन इज वैलिड व्हेन समथिंग इज अनजस्ट, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द सोशल इंटरप्रिटेशन, इफ इट इज रॉन्ग इट्स रॉन्ग। सो आई एम नॉट फ्रॉम दैट सोसाइटी जो इन सब्जेक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करती है, आई एम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आई एम फ्रॉम द वेरी क्रूड वर्जन, आई एम अ थीस्ट इन दैट सेंस। That was the concept. So he was a staunch human. He was a staunch follower of righteousness. He was not at all a. There was a zero tolerance toward injustice. That's it. Okay. On any ground, you cannot justify anything. That was a similar concept followed by just a Sikh guru, Shri Guru Gobind Singh Ji. So ultimately, he started the concept of a Khalsa. What do you mean by the Khalsa? Look at the Khalsa. It is the ultimate pristine look. It is a crude, it is a raw, it is a primitive, old version. That is the pure version, the Khalas. He is wearing Kanga, Kada, Kachhara. Ultimately, he is having sword also. And that is very important. Karpan. What do you mean by this symbol? When he is wearing Kachhara, he is wearing a Kesh. It is impure, it is ultimate pure society, untouched by any impurities. There is no civilization concept, there is no cutting of the beard, there is no cutting of the hair, there is ultimate intact condition of the kesh, because you cannot contaminate any condition or any concept related to this process. But simultaneously, when they are showing you your their animism following concept of the tribalistic version, so Guru Gobind Singh was a ultimate intellect because he amalgamated two concepts. That's why being in a list of universalizing, there was no proselytization, there was no machinery in that concept, because there was a very natural and original version of animism also. But he amalgamated animism with the civilized aspect, with the philosophical side. So that sword is a philosophical side. What do you mean by the sword? When you're talking about the tribal societies, they are having spears, they are having bow and arrows. But when you are talking about the rulers, the states, the civilized society, they are having sword. Because sword is outcome of art. Sword is outcome of ultimate metal. Sword is the outcome of a smelting procedure. So that's why it is a symbol of civilization. It is a symbol of statesmanship. It is a symbol of craftsmanship. It is a symbol of ultimate leadership. So that's why he is having philosophical side by having sword. He is having a natural side, a very animism side of aspect that is uncontaminated, non-capitalistic, non-materialistic, wholly devoted person towards the holy divine. That was a concept. That's why it is a unique aspect. So both were of somewhere same ideology. Being atheist, he was, and being a ultimate source for the religion, Guru Gobind Singh was. We cannot say he was theist or atheist, because ultimately he was divine. So that is important. Okay. So these things were always there. तो इस तरह से ये organize किए गए अपन के द्वारा, एक universalizing ethnic or tribal. अपन को concept clear हो गया. अब हम इनको वन बाय वन आपको समझाएंगे, उसके पहले कुछ कंसेप्ट और क्लियर कर दें आपके. अब देखिए, जब हम बात धर्म की करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे लैंडस्केप की यूटिलाइजेशन होती है. उदाहरण समझाता हूँ.
आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, आपका खान पान पहनावा धर्मों से तय हो जाता है। आपके शादी से जुड़े हुए रिचुअल, बच्चे के जन्म से जुड़े हुए रिचुअल, मृत्यु से जुड़े हुए रिचुअल्स, डेथ सेरेमनीज, बर्थ सेरेमनीज, इवन देर आर रिचुअल्स रिलेटेड टू द प्यूबर्टी एज, एडोलेसेंस पीरियड। सो देर आर सो मेनी रिचुअल्स एसोसिएटेड विद देम, एंड ऑल द रिचुअल्स आर समवेयर बेसिस ऑफ द इकोनॉमी। ये जो रिचुअल्स हैं आपके, आप देखें, मुंडन करवाया जाता है, मुंडन होता है, आप जाएँ अलग अलग जगह पर जाएँ, केश उतरवाए जाते हैं पहले, और वो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा जरिया है, वहाँ पर काम चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो सेटअप लग रखा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन चलें तो ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। जैसे कुछ धर्मों की बात करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा रिलीजन है जिसमें पोक, यानी कि जिसमें सुअर आप नहीं खा सकते, सुअर विल बी अबंडेंट देयर बट काउज विल नॉट देयर, गाय नहीं होगी, बिकॉज यू कैन ईट बीफ। बट कोई ऐसा स्टेट है, कोई वहाँ का रिलीजन ऐसा मेंशन, लोग ऐसा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं जिसमें काओ नहीं खा सकते हैं, तो काओ होंगी सड़कों पे, बेअंत होंगी, लेकिन सुअर ऐसे आम नज़र नहीं आएगा आपको। आई बात समझ में? तो द थिंग इज़ कि काओ होगी, आएगी, सांड भी आएगा, बुल भी आएगा, देखेगा आपको, आप मोटरसाइकिल से आ रहे हो, और फिर सींग से उड़ा देगा। That's it. तो दैट इज़ अ कंसेप्ट, अखबारों में खबर आएगी। तो कुल मिलाकर के उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपन चले तो प्रभावित नहीं किया खाने पीने को। फिर अगर अपन कुछ धर्मों की बात करें, मान लीजिए प्योर वेजिटेरियन है एक सोसाइटी, प्योर वेजिटेरियन, वहाँ पे एम्पल वेजिटेबल्स ग्रो हो रही होंगी, तो एग्रीकल्चर प्रभावित नहीं हुआ क्या इस चीज़ से? सारा एग्रीकल्चर, अरे आप ध्यान से देखिए, व्रत के दिनों में, ड्यूरिंग द रामनवमी पीरियड, ड्यूरिंग द दस देवी व्रत, द दस दुर्गा व्रत, दुर्गा पूजा पीरियड, मार्केट में एम्पल अवेलेबल है मटेरियल, कौन सा कौन सा, पानी फल का आटा, जे आटा, वो आटा, ये सारे आटे किधर से आ जाते हैं अचानक से? क्योंकि धर्म है और धर्म के मुताबिक फास्ट है, और फास्ट में अब आप अनाज का आटा नहीं खा सकते हैं, अनाज से बने खाना नहीं खा सकते, ग्रेन्स नहीं खा सकते, इसलिए फल बहुत आ गए बाज़ारों में, फल हैं, फूल मालाएं हैं, क्यों हैं? धर्म की प्रथा है कि भाई। अच्छा, आज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, विश्व भर में जो ये मिलियन डॉलर्स का व्यापार है अगरबत्तियों का, इनसेंस स्टिक्स का, ये होता क्या अगर धर्म ना होते? तो धर्म ना होते तो ये तो रिचुअल ही नहीं होता, तो फिर क्या करते आप लोग? ये काम धंधे किधर से आए? और क्या उन लोगों ने, उन चीज़ों ने रोज़गार नहीं दिया? क्या रिसोर्स उस वे में मोबिलाइज नहीं हुआ? हाँ, चलिए, ज़मीन के नीचे ईसाई और मुस्लिम दबाते हैं, तो ज़मीन कितनी यूटिलाइज होती है उस चीज़ के लिए? तो फिर दफनाने के लिए लैंडस्केप प्रभावित नहीं हुआ क्या? हिंदू और सिख जो है ये जलाते हैं, एक मोहल्ले के एक शमशान घाट में चले जाना, देखना कितने मुड पड़े हैं, कितने पेड़ पड़े हैं। अच्छा, अब लिस्ट ढूंढना भारत में, क्या कितने लाखों के अराउंड शमशान घाट नहीं मिलेंगे? तो फिर उनमें कितने मुड पड़े होंगे, कितनी लकड़ी यूज़ हो रही है? मणिकर्णिका घाट काशी में ही रोज़ 300-400 चिताएँ जल रही हैं, तो कितनी लकड़ी? तो फिर क्या फॉरेस्ट इम्पैक्ट नहीं हो रहा है क्या? फिर क्यों हमें इंसिनरेशंस की ज़रूरत पड़ रही? तभी तो इलेक्ट्रिक मशीन्स आर देयर, बिकॉज बाय द वे ऑफ योर रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, दिस प्रैक्टिसेस समवेयर सपोर्टेड बाय द रिलीजन, यू आर फॉलोइंग सच प्रैक्टिसेस एंड यू आर हैविंग डायरेक्ट बियरिंग ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, डायरेक्ट बियरिंग ऑन द लैंड रिसोर्सेज। लुक, यू आर हैविंग प्रैक्टिस ऑफ अ होली बाथ इन सम रीजन्स, there is a practice of holy bath, by the way of that holy bath practice you are having holy bath in a river or in a pond or everywhere else, so you are having direct bearing on the purity of the river, there will be contamination of the river, aap astiyan avshesh dharmon mein ye mention hai aur hum use jab prabhavit kar rahe hain nadi pe uska asar hai, phool malaein prabhavit ho rahi hain nadi pe uska asar hai, hum jab usme dip le rahe hain to nadi pe uska asar hai, to ye kya hai dharm की पालना हेतु जो आप नियम बना के रीति रिवाजों की पालना कर रहे हैं उसका सीधा बेयरिंग समाज पर है, रिचुअल्स का सीधा बेयरिंग नेचुरल रिसोर्सेज पे है, लैंडस्केप सेटलमेंट पे है। उदाहरण के तौर पर आप अगर कभी गंगा घाट गए हैं वाराणसी में तो आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगी, आप बनारस में एंटर होइए, ये गंगा बह रही है, ऐसे एंटर होंगे आप, ऐसे एंट्रेंस होगी, सड़कें ऐसी चौड़ियाँ ऐसी होंगी, गलियाँ, आप गंगा क्लोज पहुँचते जाइए ऐसी हो जाएगी। ये क्या है? गंगा का महत्व है, और उस महत्व की वजह सबको गंगा के समीप रहना है, गंगा से ही जुड़े रोजगार भी हैं, फिर गंगा के ही पास सबको जाना भी है, रहने वालों को समीप रहना है, माथा टेकने वाले को वहीं टेकना है, होली डिप लेनी है, और व्यापार भी फिर वहीं होगा,
इसलिए ये जो इतना खुला एरिया था ये वहाँ तक जाते जाते ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ड्यू टू एनक्रोचमेंट एवरीथिंग ये इतना कंस्ट्रिक्टेड हो गया। इसका अल्टीमेट आस्पेक्ट क्या हुआ, गंगा वहाँ है, ब्यास के किनारे ऐसा क्यों नहीं है भाई, सतलुज के किनारे ऐसा क्यों नहीं है, रावी के कंडे ऐसा क्यों नहीं है, सिंधु के कंडे क्यों नहीं है भाई, सिंधु के किनारे ऐसा कंडे कंडे बोल रहा हूँ, अपने दूसरे व्यूअर कहेंगे कंडे कंडे क्या चुभार है, तट की बात कर रहा हूँ, किनारों की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिंधु के तट पे ऐसा क्यों नहीं है, ब्यास के तट पे ऐसा क्यों नहीं भैया, सतलुज के तट पे ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि फिर उस लेवल पे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के तहत वो अभी जोड़ी नहीं गई हैं चीज़ें उधर। मैं कहता हूँ अभी अगर पता लग जाए कि भाई सतलुज के किनारे किसी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइन पर्सनैलिटी ने वहाँ पर तप किया है, आप देखिए कल से क्या शुरू हो जाता है, ज़मीन की कीमत देखिए, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट्स नोटिस करना शुरू कर दीजिए आप। आप कहते हैं भाई धर्म का राजनीति पर असर नहीं, व्हाट अबाउट करतारपुर कॉरिडोर, सिद्धू से पूछिए, बता देंगे कि धर्म का राजनीति पे क्या असर है क्या नहीं है। लुक एट द करतारपुर कॉरिडोर, देयर इज अ प्लेस दैट ननकाना साहिब इज इम्पॉर्टेंट प्लेस, दैट करतारपुर साहिब इज इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पर आप गुरु जी के बारे में कहते हैं कि भाई वहाँ पर आपने कर्म करने की शिक्षा दी है, कि हल चलाया है, बताया है कि लाइवलीहुड भी अर्न करना आपका एक तरह का स्पिरिचुअलिज्म होता है, आप इससे विमुख नहीं हो सकते, कर्म करना ते वर्ल्ड के छकना, ये इंपॉर्टेंट है कि काम करें एंड डिवाइड योर अर्निंग्स एंड योर रिसोर्सेज, सो म्यूचुअल, ये सोशलिज्म नहीं था यार, वॉज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ सोशलिज्म, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, बट द थिंग इज अब वो प्लेस एक इंपॉर्टेंट प्लेस है एक रिलीजन के तहत, आपको वहाँ जाना है, उसके लिए देर इज अ कॉरिडोर, नाउ देर इज अ पॉलिटिक्स रिलेटेड टू दैट कॉरिडोर एंड देर इज अ होप कि अब कोई अपना क्रेडिट लेके भी हमने बनवाया है तो वो चीज़ चल रही है। तो देखिए एक डायरेक्ट बियरिंग होती है उस चीज़ की, तो धर्म जो है वो सीधे रिसोर्सेज से कनेक्टेड रहता है, सीधा सीधा आपकी सेटलमेंट से कनेक्टेड होता है, जो संबंध स्थापित हुए हैं उन संबंधों में भी वह नज़र आता है कि सोसाइटी ने खुद को कैसे जोड़ भी रखा है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ओके, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखें तो उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन का एक ये जरिया है, लोग अपने आप को इसी के तहत एक्सप्रेस और आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनमें ग्रुप्स भी इसके बेसिस पे बनते हैं और ग्रुप्स में भेद भी इसी बेसिस पे आते हैं कि वे नया ग्रुप और तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर आप एक रिलीजियस मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोगों को इसके बेसिस पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर हुई है बात, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अब इसके लिए जब तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे तरीकों के तौर पर एक कंसेप्ट और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आर्य है, आर्यों ने पूरा भारत का जो उस समय का उत्तर भारत का जो समाज है उसे चतुर्वर्ण व्यवस्था में बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसे बाद में आके कास्ट सिस्टम कहा जाने लगा। जब चतुर्वर्ण व्यवस्था है तो आप देखें उस चतुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चलाए रखने के लिए भी उसे साथ और सहारा धर्म का दिलाया गया कि धर्म इसका समर्थन करता है, धर्म इसका सहारा बनता है, इसको सपोर्ट करता है, तो धर्म का उपयोग यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है। और आप फिर देखिए उसे चतुर्वर्ण व्यवस्था ने जिसके तहत आपका काम निर्धारित है कि जो जिस वर्ण में है वो वैसा काम करेगा, उसने तो पूरी तरह से उस समय पीरियड की सोसाइटी इकोनॉमी को ही प्रभावित कर रखा, पूरी पॉलिटी प्रभावित ही, क्योंकि क्षत्रिय राजा बन सकता है और कोई बन नहीं सकता, ब्राह्मण खेती कर नहीं सकता और वैश्य व्यापार कर सकता है, तो देखिए वैश्य वर्ग बुद्ध हैं जैन हैं, वैश्यों ने बाद में जाके बुद्ध जैन ज्वाइन कर लिया अपना सोशल मोबिलाइजेशन के लिए, और शूद्र को देखिए आपने एक वर्ण व्यवस्था के तहत एक ग्रुप को आपने शूद्र टैग कर दिया और आपने सारा हिस्टोरिकल पीरियड उसे डिपेंडेंट ही बना के रखा पहले तीन वर्णों के तहत। तो आप देखिए धर्म की तो सीधी बियरिंग है हिस्ट्री के ऊपर भी, प्रेजेंट सोसाइटी के ऊपर भी, क्योंकि आपने इस वर्ण व्यवस्था को लेजिटिमाइटी धर्म के संदर्भ में कर लिया था, धर्म का समर्थन दे के कर लिया था, आपने उस सपोर्ट रिलीजन का दे दिया था। आई बात समझ में? तो इस तरह से धर्म और समाज, रिलीजन एंड पॉलिटी, रिलीजन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, रिलीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिलीजन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, रिलीजन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिलीजन एंड सोशल हायरार्की ऑफ द पीपल, देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक देश का विकास होना नहीं होना ये भी एक बहुत बड़ी रिलीजन की कहानी है, ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए समझिए धर्म, जब हम यहाँ पर अब बात करते हैं अब्राहमिक रिलीजन की, तीन धर्म जब हम जिक्र करते हैं
सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की और जुदाइज्म की। ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन है, ये अब्राहम से आते हैं। जब हम अब्राहमिक रिलीजन की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इनका मानना यह है कि ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये गॉड ने बनाया। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है ये गॉड ने बनाया, और ऐसे में ये गॉड इज़ अ क्रिएटर एंड दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स इज़ अ क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर। अब वो ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट पर जो अर्थ है उसे हाफ क्रिएट करके ही गॉड ने सौंप दिया ह्यूमन को, और उसे बोला कि भाई तुम भी क्रिएशन का हिस्सा बनो, तुम भी उसे क्रिएट करो, और तुम भी हमारे साथ आकर के, मतलब तुम इफ़ यू वांट टू अटैच योर सेल्फ एज अ विद अ क्रिएटर, यू नीड टू डेवलप दैट क्रिएशन, यू नीड टू फुलफिल एंड यू नीड टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए धर्म का भी यूज़ यहाँ पर इस सेंस में हो रहा है कि फिर इस्लाम की बात करें तो क्रिश्चियनिटी की बात करें, जुदाइज्म की, तो क्रिश्चियनिटी की अगर आप बात करते हैं, वो इसी कंसेप्ट को यूटिलाइज करके ये कह गया, कॉलोनलिज्म कर गया कि भाई हाफ हार्टेड और हाफ डेवलप्ड अर्थ है, और इसका फुल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज किया जाए। आप नदियों को बेटर ऑर्गेनाइज करिए, रिवर्स को, आप एग्रीकल्चरल फील्ड्स डेवलप करें, आप फॉरेस्ट क्लियर करें और वहाँ पर खेती बाड़ी करें, आप सड़कें, ब्रिजेस, डैम, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। इसका मतलब ही है वाइल्डरनेस से सिविलाइजेशन की तरफ लोगों को लेकर के आना, ये है एक्चुअल में क्रिएशन, आप ये क्रिएशन करिए। यही कारण था कॉलोनलिस्ट के पीछे पैटर्नलिस्टिक थ्योरी का, सिविलाइजिंग द नेटिव थ्योरी का। उनका कहना ये था आपको कि भाई हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, इसको इस तरह से जस्टिफाई करता हूँ। सुनो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में एक फ़ायदा है, फ़ायदा कह रहा हूँ, एक अलग कंसेप्ट है। वो ये कहता है कि जो ड्रॉट्स हैं, जो फ्लड्स हैं, दे आर समवेयर प्रिवेंटेबल, इन्हें रोका जा सकता है। हाउ दे आर प्रिवेंटेबल? बिकॉज दे आर ड्यू टू आर पास्ट कमिटेड सिंस, हमने अपराध किए, हमने पाप किए हैं, ये उनकी वजह से मिला है। अब अगर आप इसे उस सेंस में, लिटरल सेंस में ले लें, तो ये कुछ ऐसा है कि पाप नहीं करो, पापों का परिणाम मिला, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया। लेकिन अगर आप बात लिटरल सेंस में ना करके फिलोसफिकल आस्पेक्ट में करें, जरा इसको इंटरप्रेट करें, तो वो कह रहे हैं कि आपके पाप हैं भाई, आपने वेटलैंड सारे ख़त्म कर दिए, आपने मार्श लैंड सारे ख़त्म कर दिए, आपने रेकलेस यूटिलाइजेशन कर लिया नेचुरल रिसोर्स का, आपने फॉरेस्ट डिवॉइड कर दिए, आपने रिजर्वायर्स इस तरह से बनाया, आपने रिवर चैनल पैसेजेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, उसी का नतीजा है फिर कि आज ड्रॉट्स हैं और फ्लड्स हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये प्रिवेंटेबल है, बट अब मुद्दा ये है ना कि इस सेंस में अगर बात हो तो प्रिवेंटेबल है, अगर आप फिलोसफिकल सेंस में जिक्र कर लें। लेकिन अगर आप इसको इस सेंस में जिक्र करेंगे कि ये बिल्कुल प्योर आप रिलीजियस इंटरप्रिटेशन ही इसके कर रहे हैं कि भाई पाप नहीं करो, अच्छाई करो। अच्छाई क्या है? अब जैसे कोई सामने वाले एक बर्फ़ी खा रहे हो, आधा टुकड़ा उसे भी दे दो, फ्लड नहीं रुकेंगे इससे ना, पाप मुक्त हो गए हैं, दान करो तो पाप से बचेंगे, ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुद्दे की बात यहाँ पे आती है, हिंदुइज्म और ट्राइबलिज्म, ये क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल अलग है। वो ये कहता है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है भाई, ये प्रिवेंटेबल नहीं है, ये तो होने ही है। क्रिश्चियंस उनको कटाक्ष कर रहे हैं, तो क्या करो, ये होने हैं तो भजन करो, भगवान की प्रार्थना करो, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, कहीं भी जाओ और ये कहो कि ये टल जाए। तो क्रिश्चियंस खुद को सुपीरियर मानते हैं इस मामले में कि एटलीस्ट हमारा रिलीजन हमें ये कहता है कि ये प्रिवेंटेबल हैं, ये तुम्हारे पीछे के किए सिंस की वजह से हैं, तुम सिंस को ख़त्म करो तो ये भी ठीक हो जाएंगे। वो कह रहे हैं इनको देख लो जा करके, ये तो इन्हें नेचुरल डिज़ास्टर मान के बैठे ही हुए हाथ पे हाथ धर करके। इसका एक एपिसोड स्वदेश मूवी में दिखाया भी गया था, लाइट गई हुई थी, रामनवमी का उत्सव चल रहा था, वो लोग राम भजन गाने लग जाते हैं, तो शाहरुख खान उनसे कहते हैं कि ऐसे लाइट आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी कहता, तो फिर वो कहता है फिर कैसे आएगी बिजली, कहता बिजली काम करने से आएगी, मैं झरने पर रिजर्वायर बनाऊँगा और उस रिजर्वायर के दम से टर्बाइन घूमेगी और फिर बिजली आएगी, तो फिर बिजली आती। वो दिखा रहा है क्योंकि वो अमेरिका से आया होता है ना, नासा से, तो वो फिल्म में एक यही इसी फिलॉसफी पे बात की गई है कि जब यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि उनका तो कोई कल्चर ही नहीं है, तो वो उन्हें समझा रहा है उनकी अपनी परंपराएं, उनका अपना कल्चर है, आपका अपना कल्चर है। मुद्दा ये है यहाँ के बेस्ट और वहाँ के बेस्ट दोनों मिलने ज़रूरी हैं। तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये तो नेचुरल डिज़ास्टर है, ये तो अपने आप में ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो उनको ये समझा रहे हैं कि अपने आप कुछ ख़त्म नहीं होगा, उठो, डैम बनाओ, रिजर्वायर्स अगर बनाए हैं तो क्लीन करो, साफ़ करो, सुनामी अगर आने वाली है एम्बैंकमेंट बनाओ, पेड़ लगाओ,
मैनग्रोव्स को दोबारा लगाओ, खड़ा करो, रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट नहीं होना चाहिए, रिवर चैनल को मैनेज करो, ये सब चीज़ें होंगी तो फिर हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो वो ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर, और वो ये कह रहे हैं कि प्रिवेंटेबल है। अब प्रिवेंटेबल बोल करके वो सिन करते चले जा रहे हैं, समझो इस बात को। दूसरी कोरोनरी, अब वो ये कह रहे हैं, आपके देश में जब आए आपसे बोला, आपने पूछा भाई कौन है, कहते अंग्रेज हैं भाई, कहते क्यों आ गए हमारे देश में, कहते सुनो हम एक धर्म फॉलो करते हैं और वो है क्रिश्चियनिटी, कहता अच्छा बोलिए आगे बोलिए, कहता उस क्रिश्चियनिटी में ये लिखा है कि हमने जो सिन कमिट किए होंगे उसी की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़। अब आप जब यहाँ पर जब नेचुरल कैलेमिटी सोचते हैं, बुक में सिर्फ उदाहरण दिया गया है ड्रॉट एंड फ्लड का, नेचुरल कैलेमिटी कैन बी एनीथिंग। सबसे पहले नेचुरल कैलेमिटी हमारे दिमाग में आती, तभी तो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं। नेचुरल कैलेमिटी दिमाग में आई थी कि रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्री कर दो, नेचुरल कटिंग ऑफ द दिमाग में आई थी कि भी किसी भी तरह से डैम बन जाना चाहिए, सफाई होना हो, नेचुरल कैलेमिटी आई थी डैम में पानी भरता जा रहा था, हम एक्टिव ही नहीं थे, खबर पास ही नहीं कर रहे थे, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फिर एंड मोमेंट में फ्लड गेट एकदम खोल दिए सतलुज के और पंजाब के कई गांव डूब गए। ये नेचुरल कैलेमिटी पहले दिमाग में आती है, फिर नेचुरल कैलेमिटी प्रकृति में एक्सप्रेस होती है। तो अब वो ये कह रहे हैं, यहाँ आके कहते सुनो नेचुरल कैलेमिटी का मतलब ये है हमने जो सिन कमिट किए हैं ये उनकी वजह से होती है, हम अपने सिन को ठीक कर ले तो फिर ये नहीं आएंगी। कहते सिन का भाई, कहते मतलब पाप होता है, कहते आप क्या पाप किए हैं, कहते हमारे देश में कपड़ा उद्योग इंडस्ट्री हमने लगा ली है मैकेनाइज्ड, और अगर अब हम पूरे विश्व को ये नहीं देते तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल ये पाप है, हम वो देने आए हैं तुम्हें। कहते अच्छा, और कहता हमने एक हाई लेवल सिविलाइज सोसाइटी बना ली है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर अब हम पूरे विश्व को वो नहीं देते ये पाप है, हम इस पाप से होने वाले उन नकारात्मक नुकसानों को बचाना चाहते हैं। कहते अच्छा और क्या है आपके देश में, कहता हमने एक वेल डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर लिया है, अच्छा पहनावा है, सोच समझ है, हम नियम से चलते हैं, अब अगर हमने वो विश्व को नहीं दिए तो ये पाप है, हमारा धर्म ये पाप हमें नहीं करने देगा, अपने धर्म के हाथों मजबूर होकर के इस पाप को ना करते हुए अपने हो चुके सिन को ठीक करने हम तुम्हारे पास आए हैं। कहते अच्छा भाई करो क्या करो, फिर समय बढ़ा और फिर विवेकानंद ने उन्हें कहा कि बेटे ये कौन सी नई धारा बहा रहे हो, पाप तुम करो और मुक्ति का जरिया हमें बनाओ, तुम्हारे पापों की मुक्ति भी तुम्हें ही करानी है, हम या विश्व का कोई और मुल्क और कोई जाति धर्म और लोग जरिया नहीं बनेंगे तुम्हारी मुक्ति का, चलो वापस उधर ही जा कर के मुक्ति कराना। आई बात समझ में? तो ये जो पैटर्नलिस्टिक थ्योरी है, ये जो एक थ्योरी आई है कि सिविलाइजिंग द नेटिव, वो ये आपको कहते थे वी आर सफरिंग, वी हैव कमिटेड सिंस, वी आर पेइंग फॉर दैट, we have developed industrialization and finally we need to spread this, if we are not spreading it ultimately we all will face the repercussions and the consequences because the god will not be of merciful during that time. The ultimate aspect was that ki kehna kya chahte hain ki hum apne gharon se dur hain, parivaron se, bachchon se, biwiyon se dur hain, hum suffer kar rahe hain, we are at penance, we are having all the penance फॉर द purpose of सेविंग द सोसाइटी, हम पूरे मानवता को उस havoc से, उस wrath से बचाना चाहते हैं जो God will inflict. That God will inflict the wrath and we want to save the society. That's why we are suffering, we are at penance, we are far away from our houses, we are suffering because we are far away from our families, our wives, and we are far away from our land. Don't you realize this? तो फिर लोग कह रहे हैं ठीक है भाई तुम गुस्सा मत करो, ले लो क्या लेना, खेत लेने, हमारा उद्योग लेना है, धंधे लेने, मसाले लेने, ले लो, सांसें छोड़ करके चमड़ी और हड्डियां भी लेनी है तो ले लो, तुम अपने पाप मुक्त करा लो। तो देखो धर्म का असर तो होता है, बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ा है, गहरी चर्चा इस पे होनी बनती थी, ओके, इसलिए हम ये लेक्चर कर रहे हैं। धर्म और ज्योग्राफी तो अपने आप में बड़ी पैमाने पर जुड़ी है, कैसे, धर्म के इवेंट ही ज्योग्राफी से हैं, धर्म के जो इवेंट हैं, जो ग्रंथ हैं, जो आप होली बुक्स पढ़ते हैं, सेक्रेट बुक्स पढ़ते हैं,
वो इवेंट ज्योग्राफी पे है और ज्योग्राफिकल सेटअप पे धर्म का असर है, दोनों इंटरवाइंड है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि जब एक बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली थी, उस बाढ़ से बचने के लिए मनु अपने परिवार के साथ और इम्पॉर्टेंट सभी स्पीशेज से एक एक चीज़ लेकर के और सारी होली बुक्स और वेदास को लेकर के एक नाव पे सवार हो गया, जो नाव की रक्षा एक मीन करेगी, एक मछली करेगी, मछली विष्णु है। तो आपने ये चित्र कई मंदिरों में देखा होगा, पानी ऐसे चढ़ रहा है और एक मछली एक नाव की तौर पे खड़ी है और उसमें कुछ लोग सवार हैं, ये स्टोरी। और ये वर्ल्ड के तकरीबन सभी धर्मों में कहानी है, नोआ आर्क की कहानी, द स्टोरी ऑफ नोआ, आप सबने सुनी होगी किस तरह से वो सब, उसको मैसेज पहले ही आ गया कि अब इस दिन सब तबाही होने वाला है और अल्टीमेटली तुम उस पर्वतों पे चले जाना जो पर्वत आज ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द तुर्की में है। तो नोआ एक बेड़ी बना करके सारी प्रजातियों से एक एक बीज और एक एक जानवर और एक एक चीज़ लेकर के सबको लेकर के वहाँ चढ़ गया, बाढ़ आई, सब तबाह हो गया, लेकिन वो बच गया और वो फिर से एक नए न्यूतन निर्माण हुआ, सारे उसने छोड़ दिए। ये इस्लाम में है कि जलजला आएगा, जलजला आया फिर बचाया गया। तो ये कहानी देखिए, आपके जितने भी इवेंट हैं, धरती फट गई, सीता चली गई, ज्योग्राफिकल फिनोमेनाज जितने भी हैं, है ना, राम ने धनुष उठाया, समंदर सूख गया, श्रीलंका तक जाने के लिए समुद्र पार करके चले गए हनुमान, बताओ। ये सारे एपिसोड तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तो जितने भी ये प्राकृतिक इवेंट हैं, जितने भी नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं, इनका जिक्र सागर मंथन, पर्वत का इस्तेमाल हो रहा है। सागर मंथन भाई, सागर का मंथन हो रहा है तो रत्न निकल रहे हैं। तो ज्योग्राफी के इवेंट्स एक तरह के हिस्टोरी रिलीजियस टेक्स्ट का बेसिस बनते हैं। इसी तरह से रिलीजन का असर सीधा सीधा ज्योग्राफी पे होता है, मैंने आपको बता दिया। कैसी खेती होगी ये खान पान पर डिपेंड होता है और वो रिलीजन पर डिपेंड होता है। जलाए जाएंगे, दफनाए जाएंगे या खुले एक्सपोज कर दिए जाएंगे, जैसे बुद्धिज्म में या ज़ोरोस्ट्रियनिज्म है। देखिए, दफना दफन दो गज ज़मीन मिलना इतना आसान नहीं है। बुद्धिज्म में मेजॉरिटी लोग एक्सपोजर के प्रोसेस के थ्रू चले जाते हैं, सिर्फ जो बहुत ही हाईली लर्न्ड हैं, हाईली प्रेस्टिजियस पर्सनस हैं, उन्हें सिर्फ दफनाया जाता है। ये बात आप याद रखना, सबको ये नसीब नहीं होता है। लुक एट द लोकेशन ऑफ द बुद्धिज्म, वो माउंटेनियस एरिया, कब्रें खोदना आसान नहीं है, जो खोदने वाला खुद ही गिर जाएगा, और तब डिच मशीनें भी नहीं थी। ऐसे में बस छोड़ रहे हैं, कहते छोड़ दो, एक्सपोजर दो, कोई स्नो लियोपार्ड, कोई लिनक्स, कोई आए, जो जो आप पार्ट पसंद अपना खाए और जाए, हम इन्हें ले रहे हैं, ये कुछ और ले जाए यहाँ से। तो इस तरह से सिस्टम चलता है। ज्योग्राफी से ही तो धर्म की प्रथाएं आती हैं। ये कस्टम में पढ़ाऊंगा, इसके तीसरे पार्ट में कस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि खान पान आपका कैसे प्रभावित होता है। धर्म के अंदर ही होता है, लेकिन होता ज्योग्राफी से है। ओके, तो ये कॉन्टेक्स्ट में हमने सारा जिक्र किया और इसी के तहत अब हम पहला धर्म पढ़ेंगे, वो है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी, हम क्रिश्चियनिटी के बारे में कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये है, क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कब होती है? 1st century AD के अराउंड इसकी शुरुआत हो जाती है और ये क्राइस्ट के पीरियड के तौर पर ही जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि जिनके द्वारा ये क्रिश्चियनिटी आया है वो कहाँ के थे? तो जीसस नज़रेत के थे, ये बात आप याद रखनी है, जीसस ऑफ नज़रेत। नज़रेत इस समय इज़राइल की एक सिटी है, इज़राइल बाद में अभी फॉर्म हुआ है, इससे पहले क्या जाता था, ये पैलेस्टीनियन सिटी के तौर पर नज़रेत जाना जाता है, ये बात क्लियर है। अब जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो उसमें ये नज़र आता है कि दो एक्ट जो हैं वो जीसस की लाइफ से जुड़े हुए हैं और वही एक रीज़न है क्रिश्चियनिटी के फेथ का, और उसी के बेसिस पे क्रिश्चियंस के बीच में जो रिचुअल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं और जो आपस में एसोसिएशन है, वो उन दो चीज़ों पे बेस्ड है। सबसे पहला आस्पेक्ट है क्रूसीफिक्शिएशन, जिसे हम क्रूसीफिकेशन भी कहते हैं। क्रूसीफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। जब हम क्रूसीफिकेशन या क्रूसीफिक्सेशन की बात करते हैं तो ऐसा ही माना जाता है कि भाई जीसस को एक तरह से पनिश कराया गया। ये माना गया कि उन्होंने किंग बनने का दावा किया, जब ये दावा सच पाया गया तो उन्हें दो थीफ, दो चोरों के बीच
लटका करके क्रॉस पे ख़त्म कर दिया गया। ये क्रॉस आप सभी जानते हैं, तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट सिंबल के तौर पर है। मैंने आपको बताया था जब भी हम रिलीजन्स की बात करते हैं तो रिलीजन में सिंबल्स एंड मिथ होते हैं, तो सिंबल के तौर पर एक सिंबल जो क्रॉस का सिंबल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल फॉर द क्रिश्चियनिटी। और सेकेंड कहानी है जीसस के रिसरेक्शन की। ऐसा माना जाता है जीसस को इस तरह से पनिश किया गया उस पॉइंट पर, उनकी डेथ हुई, उनकी बॉडी को एक पर्टिकुलर प्लेस में रखा गया, उसके आगे पत्थर लगा दिया गया, ऐसी कहानियां हैं। दो तीन दिन के बाद जब वहां जाकर चेक किया गया तो उनकी डेड बॉडी वहां पर नहीं थी। ऐसा है कि वो यहां से उठा लिए गए, मतलब रिसरेक्ट हो गया है, वो यहां से ले जाए गए हैं और फिर वो एज अ सन द सन ऑफ द गॉड वापस आते हैं धरती पे। तो इसीलिए अगर आप बात करें तो क्रिश्चियनिटी ट्रिनिटी के कंसेप्ट में बिलीव करता है। ट्रिनिटी का मतलब यह है कि ट्राई है बट यूनिटी है, तो ट्राई प्लस यूनिटी कंसेप्ट इज़ द ट्रिनिटी। ट्रिनिटी में ये सिंपल कंसेप्ट ये है कि बार बार आपको बाइबल में हर जगह पर एक चीज़ कंसेप्ट मेंशन मिलेगा, गॉड एज अ सन, गॉड एज अ फादर, गॉड एज अ होली स्पिरिट। यहाँ पर जो मैरी हैं उन्हें वर्जिन फॉर्म में दिखाया जाता है और उन्हें एक होली स्पिरिट के तौर पर बताया गया है। तो कुल मिलाकर के जब हम गॉड एज अ सन, गॉड एज अ फादर, गॉड एज अ मैरी, गॉड एज अ होली स्पिरिट की बात करते हैं तो उसमें ये है कि कंसेप्ट यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है कि तीनों हैं, तीनों को एटर्नल हैं, तीनों को इक्वल हैं और तीनों कहीं ना कहीं गॉड का ही एक एग्जिस्टेंस है। तीनों में गॉड एग्जिस्ट कर रहा है, ओके? तो एक गॉड तो एक ही है, गॉड इज ऑलवेज वन, तीनों में गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस तरह का कंसेप्ट माना जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि तीनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं, सब कुछ एक जैसा है लेकिन वो फिर भी भिन्न है। जैसे आप और मैं, मनुष्य, हमारे अंदर बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं लेकिन फिर भी हम अलग हैं, ये खासियत है। तो फादर, सन एंड होली स्पिरिट तीनों में सिमिलैरिटीज हैं लेकिन तीनों अलग हैं, और तीनों गॉड से सिमिलर हैं लेकिन फिर भी अलग हैं। गॉड इटर्नल है, ओमनी प्रेजेंट है, इन्फानाइटली अवेलेबल है। गॉड थ्री डायमेंशनल नहीं है, आपकी मेरी हाइट, विड्थ, लेंथ है, ये हाइट, विड्थ एंड डेप्थ है। लेकिन जब आप बात गॉड की करते हैं तो इट इज़ नॉट थ्री डायमेंशनल, इट इज़ अ स्पिरिट, इट इज़ इन्फानाइट, इट इज़ ऑल परवेसिव लाइक द एनर्जी। तो उसी के एक रिजेंबलेंस के तौर पर अगर कह रहे हैं कि जो तीन लोग होंगे, जो थ्री लाइव चीज़ें हैं इस प्लैनेट पे, जो जिंदा हैं, उनमें गॉड जो हैं वो एटर्नल हो गए, उन तीनों में गॉड एटर्नली प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ में? ये बिल्कुल ऐसा है कि चाहे स्टीम की बात करें, चाहे आइस की बात करें, और चाहे आप बात लिक्विड की करें, तो चाहे लिक्विड है, चाहे आइस है, चाहे स्टीम है, तीनों अलग हैं लेकिन बेसिस H2O ही है, बेसिस पानी का वही फॉर्मूला। ऐसे ये पूरी तरह से ये डेफिनेशन, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये किसी भी तौर पे खरा नहीं उतरेगा लेकिन ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। खरा बात यही है, सही बात यही है कि गॉड एक ही है और इन तीनों में उनका कंप्लीट असेंस नज़र आता है, तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों में से किसी को भी एक को पूज लें बात सेम ही हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला कभी भी 1+1+1=3 नहीं हुआ, क्योंकि तीन होते हुए भी तीनों की यूनिटी है, तो इसलिए ये 1 × 1 × 1=1 है। तो ये तीन एक तरफ हैं, गॉड एज अ फादर, गॉड एज अ सन, गॉड एज अ होली स्पिरिट, और ये खुद गॉड है। दिस इज द कंसेप्ट, ओके? तो ट्राई यूनिटी है, यहाँ पे ट्रिनिटी है। तो इस तरह का कंसेप्ट माना जाता है, रिसरेक्शन का कंसेप्ट है, क्रूसीफिक्शन का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बेसिस बन गए क्रिश्चियनिटी के थॉट का। वर्ल्ड में हमने क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे इसलिए उठाया है, विश्व में सबसे ज़्यादा माने जाने वाला धर्म है ये। और अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये जहाँ पर पाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर, वो तो क्लियर आस्पेक्ट है कि यूरोप है, यूरोप में सबसे ज़्यादा है। सेकेंड, लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। थर्ड, अफ्रीका में है। फोर्थ, नॉर्थ अमेरिका में है। देन एशिया में है, और देन ओशियानिया में है। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। समय आगे बढ़ता चला गया, हुआ ये कि क्रिश्चियनिटी का जन्म एक्चुअली में हुआ कहाँ पर है। जब हम बात करते हैं इस पूरे पीरियड की, 1st century AD के अराउंड की, ये रोमन पीरियड का टाइम है। आप सब जानते हैं ये रोमन एम्पायर का टाइम है, और रोमन एम्पायर ने उस टाइम पर वर्ल्ड लेवल पे यूरोप के साउदर्न कंट्रीज, मेडिटेरेनियन सी के नीचे, फिर अफ्रीका की नॉर्दर्न कंट्री और एशिया की वेस्टर्न कंट्री, एशिया माइनर और बाकी कंट्रीज़, उनको कंट्रोल कर रखा था।
ऐसे में जब वहाँ पर जन्म हुआ है जीसस का नजरेत में और उन्होंने ये कंसेप्ट फॉलो करना शुरू किया है, तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कौन सा प्रिवेलिंग सिस्टम है। जीसस ने तो एक नया सिस्टम दिया लेकिन प्रिवेलिंग सिस्टम क्या है, तो पागन सिस्टम वॉज प्रिवेलिंग सिस्टम। पागन सिस्टम वहाँ पर हुआ करता था। पागन सिस्टम ये हुआ करता था कि रोमन्स में रोमन गॉड जो है